आपराधिक मानहानि मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तेजस्वी यादव ने ट्रायल कोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। तेजस्वी यादव ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी। कोर्ट ने उन्हें गुजरातियों पर टिप्पणी करने को लेकर 22 सितंबर को तलब किया था। अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और इसे 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। सुप्रीम कोर्ट को दिए आवेदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एक कानून का पालन करने वाले नागरिक और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आमतौर पर पटना में अपने आधिकारिक पते पर रहते हैं। उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर केस ट्रांसफर करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी स्थानांतरण याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है और मांग की कि आगे की कार्रवाई उनके वकील की उपस्थिति में की जाए और इस संबंध में कोई आपत्ति न की जाए। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी और अहमदाबाद के 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी मेहता की ओर से दायर शिकायत के आधार पर उन्हें सम्मन करने के लिए पर्याप्त आधार माना था। मेहता ने इस साल 21 मार्च को पटना में मीडिया के सामने दिए गए तेजस्वी यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान स्थिति में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था और पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहना सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि ठग एक दुष्ट, ध्रुत और आपराधिक व्यक्ति है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना से लोग गुजरातियों को संदेह की नजर से देखेंगे।